भगवान ने बांसुरी बजाई, सब गोपांगनाएं दौड़ी दौड़ी चली आई भगवान की प्रेम बेहवलता में। और सभी ब्रजांगनाएं जब दौड़ी दौड़ी आई, आहा, भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी भा, कहीं हो गोपियो। गोपियां हंस गई, जय हो सरकार, पहले तो आप बुलाते हो, अगर कोई आ जाए तो पूछते हो क्यों आई हो, धन्य है आपकी लीला। अरे नहीं नहीं, नहीं फिर भी बताओ क्यों आए सरकार, किसी लिए नहीं, बस ए, 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 आपने बांसुरी बजाई हम आ गए। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ और कारण। गोपियां आप मुस्कुरा रहे, भगवान बोले आहा हा, अच्छा अच्छा अच्छा, वृंदावन देखने आई हो, शरद पूर्णिमा है तो रात्रि का चांद देखने आई हो, पर सुनो वृंदावन तो देखने आई हो पर जल्दी ही वापस चले जाना। क्यों? दृष्टम वृंदावनम कुसुमतम राके से कर रंजितम, आपने दर्शन तो कर लिया यमुना जी के दर्शन, वृंदावन के दर्शन, अब जल्दी अपने अपने घर को लौट जाना। क्यों? तुम्हारे परिवार वाले ढूंढ रहे होंगे, बच्चे तुम्हारे रो रहे होंगे, ब्रजांगनाएं छोटी छोटे छोटे गोप गायों के बछड़े रमा रहे होंगे। भगवान ने ये बातें इसलिए बोली, शायद गोपियों का मन घर पे तो नहीं लगा, तो भगवान देखना चाह रहे, तुम्हारे पति नाराज हो रहे होंगे, जल्दी लौट जाओ। गोपियां मुस्कुराकर बोली, आपकी जय हो, पहले तो टेलीफोन बजाकर बुलाते हो और आ जाए कोई से पूछते हो क्यों आए। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक व्यक्ति का, सज्जन का, एक महान भाव ने निमंत्रण किया, अब वो घर पे जैसे ही शाम को दिन भर के भूखे गए तो उन्होंने दरवाजा खोल दी, पूछ लिया अच्छा किस लिए आए, उसके तो प्राण सूख गए कि दिन भर हम भूखे रहने होते के चक्कर में, निमंत्रण के चक्कर में, ये घर जाते ही पूछ रहे किस लिए आए। ठाकुर जी आप भी वही कर रहे हो, भगवान बोले नहीं, देखो स्त्रियों को अकेला वन में नहीं घूमना चाहिए। अच्छा हाँ, अब भगवान ने यहां पर उपदेश दिया है भागवत में, स्त्रियों का धर्म है पतियों की सेवा करना, इसलिए गोपियों जाओ तुम सब अपने अपने पति की सेवा करो, वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा, भागवत में आया है। भगवान यहां पर उपदेश देते हुए कहते हैं, गोपियों पति कैसा भी हो, बूढ़ा हो, निर्धन हो, गरीब हो, फिर भी पति का संग नहीं छोड़ना चाहिए। और जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष का संग करती है वो नरक की गामनी होती है। गोपियां बोली, जय हो आपकी, जब से आए तब से लेक्चर ही प्रवचन ही सुना रहे, जय हो जय हो जय हो आपकी। गोपियां बोली, सरकार आपने तो सुना ली, हम आई और सुन लो। भगवान बोले तुम सुनाओ। गोपियां बोली, सरकार हम एक कथा सुनाना चाहे थे आपको। भगवान बोले सुनाओ। महाराज एक ब्राह्मणी थी और एक ब्राह्मण, वह ब्राह्मणी इतनी पतिव्रता थी कि जब तक ब्राह्मण देवता भोजन ना कर ले तब तक नहीं पाती थी। शिष्य का धर्म है गुरु का बचा हुआ शीत प्रसाद पाना चाहिए, पत्नी का धर्म है पति का बचा हुआ शीत प्रसाद पाना चाहिए, पुत्र का धर्म है पिता का बचा हुआ शीत प्रसाद पाना चाहिए, इससे कल्याण हो जाता है। शीत प्रसाद मतलब जो बची हुई प्रसादी, उसे संतों में शीत प्रसादी कहा गया। तो वो ब्राह्मणी बड़ी प्रतिब्रता, आहा हा, जब तक पति को भोजन ना करा दे तब तक भोजन नहीं करती, जब तक पति को सुलाना दे तब तक नहीं सोती, लेकिन आजकल का जमाना तो बड़ा उल्टा आ गया है। पहले के जमाने में हमने अपनी माताजी को, आज भी हमने देखा, हमारी माताजी रसोई बनाती हैं तो पहली रोटी गाय को खिलाती और जो अंतिम रोटी बनाती हैं वो कुत्ते के लिए, लेकिन आजकल जमाना बड़ा उल्टा हो गया, आजकल की माताजी पहली रोटी खुद खा जाती और लास्ट की रोटी खसमा छोड़ देती। मानो खुद गाय बनना चाहती हो पति को, श्री सीताराम। आप लोग नहीं हो ऐसे, क्योंकि अभी हमें कल तक रहना भी तो है, आप लोग दिल्ली की माताएं तो आह साक्षात भगवती दर्शन, आप लोग तो बहुत अच्छे, क्योंकि दोबारा हमें आना भी तो है, नहीं तो दे बिलना दे चिमटा। हाँ, तो हम दूजन की ठटरी वारे गंगो, हम आई ना,
आप लोग धर्मात्मा हो। तो वो ब्राह्मणी थी, पतिव्रता, चरणों की सेवा कर दी। आजकल चरणों की सेवा नहीं करती। आजकल की माताएं तो सोचती कबे हमारो स्वामी जी सो जाए, कबे करो दबा दिए, चरण कौन दबावे। लेकिन धन है ब्राह्मणी पति के चरणों की से, और धर्म है अपने पति को छोड़ करके जो पर पुरुष का संग करती है वो नरक की कामनी होती है। हम नहीं कह रहे, भागवत में भगवान कृष्ण कह रहे, वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा, बूढ़ा हो, गरीब हो, मूर्ख हो, सट हो, निर्धन हो, कमजोर हो, कैसा भी हो, स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर है। और पतियों का भी धर्म है, सुनो सुनो सुनो, सावधान रहो, पतियों का भी धर्म है अपनी स्त्री को छोड़ करके पर स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए, वरना वो भी नरक का गामी होता है। आहा हा हा। तो भगवान से गोपियां कहती सरकार, वो ब्राह्मणी बड़ी धर्मात्मा, बड़ी पतिव्रता थी, पति के चरणों की सेवा करती, भोजन कराती। एक दिन ब्राह्मण देवता ने कहा, क्या हम विदेश जाएंगे कमाने के लिए? स्वामी जी आप चले जाओगे, हमारा पतिव्रत धर्म टूट जाएगा। गोपियां बोली, ठाकुर जी ध्यान से सुनना। भगवान बोले, हाँ सुना सुना। तो ब्राह्मणी रोने लगी, महाराज आप जाओगे हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण बोले, एक उपाय है, हम मिट्टी की मूर्ति बना देते हैं, जब तक हम बाहर रहेंगे तब तक तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा करना, जैसे हमें भोजन कराती थाली रख देना, हमारी चरणों की सेवा करती मूर्ति के चरणों की सेवा करना, तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी निभ जाएगा, हमारा विदेश जाना भी हो जाएगा, जो आज्ञा आपकी। ब्राह्मण तो चले गए। ब्राह्मणी रोज मिट्टी के मूर्ति की पति की सेवा करें, भोजन लगावे, भोजन पवावे। आह, एक दिन एक घटना घटी। गोपियां बोली, ठाकुर जी क्या घटना घटी, सुनो। वो भोजन करा ही रही थी मिट्टी के मूर्ति की पति को, तब तक दरवाजा में खटखट की आवाज आई। कौन? बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हारा पति हूं, दरवाजा खोलो। अब ब्राह्मणी बड़ी विस्मय में हो गई कि अभी अभी प्रसाद पवाना शुरू किया, अगर मैं प्रसाद अधूरा छोड़कर जाती हूं तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, वो अगर मैं दरवाजा नहीं खोलती हूं तब भी पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। तो गोपियां हाथ जोड़ के बोली, सरकार अब आप ही उपाय बताओ कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि पतिव्रत धर्म भी बच जाए और ब्राह्मणी दरवाजा भी खोल दे। भगवान बोले, प्रश्न तो बड़ा गजब का किया। भगवान मुस्कुराकर बोले, गोपियों सुनो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है। क्या? मूर्ति की चित्र की पूजा तब तक की जाती है जब तक चरित्र सामने ना हो, और अब पति साक्षात आ गया है तो बचा हुआ शेष प्रसाद अपने चरित्र यानी स्वरूप पति को बवा देना चाहिए, उससे पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। गोपियां सब चरणों में गिर गई, बोले सरकार यही तो हम कर रहे। भगवान बोली, मतलब? बोले, जो ये संसार के पति हैं, ये सब मिट्टी के पति हैं, आप हमारे परम पति हैं, हम उनको छोड़कर आपके शरण में आए तो क्या बुरा किया।